गुमला जिला एक घोर उग्रवाद प्रभावित जिला है। इन उग्रवादियों से लड़ते लड़ते पुलिस के जवान पदाधिकारी कब बीमार पड़ जाते हैं ये इन्हें पता भी नहीं चलता है। साथ ही विधि व्यवस्था में लगे कर्मी भी अपने सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए गुमला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिव ने खुद ही अपने जवानों का इलाज का बीड़ा उठाया एवं साथ लिया अपनी धर्म पत्नी डॉक्टर सूफिया फिरदौस और सीआरपीएफ के डॉक्टर भरनीधर का। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए पुलिस अधीक्षक गुमला ने अपने डॉक्टर दोस्तों को गुमला आमंत्रित किया। जैसा कि हम लोग की हेक्टिक ड्यूटी रहती है, लगातार हेल्थ प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं और अच्छे मेडिकल अनुभव के अभाव में हम लोग इधर उधर भटकते हैं, क्योंकि वो कड़ी को लेकर मैं खुद एक डॉक्टर भी पुलिस अधीक्षक हूँ तो मैं वाली बात ही समझ सकता हूँ वो प्रॉब्लम। उसको लेकर जो हमारे मित्र है जो MBBS डेज में हमारे बैचमेट भी रहे, रांची में आए हुए थे किसी कॉन्फ्रेंस में, और जब मैंने इनको इन्वाइट किया हमारे जिला में आने के लिए तो इन्होंने शहर स्वीकार किया है और यहाँ पे आज सुबह हम लोग का कैंप लगा, जिसमें गुमला पुलिस परिवार के आसपास के ग्रामीण होमगार्ड के सहायक आरक्षी के और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के परिवार के लोग ने यहाँ आके दिखाया है। जिनका चूँकि ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट है न्यूरो सर्जरी के, गैस्ट्रो के और कंसल्टेंट फिजिशियन और डेंटल सर्जन, तो ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ है, आगे भी इस तरह कार्यक्रम होना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।